क्या फिल्मी गाने गाने के लिए उर्दू आना ज़रूरी है? उर्दू सीखेंगे क्या तभी हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो हैं वो ठीक से गा पाएंगे? ये एक छोटा सा सवाल है जो आप ही जैसे स्टूडेंट्स का है, और क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इसमें एक्सपीरियंस है तो मैं उसके लिए थोड़ी एक एक्सप्लेनेशन, थोड़ा एक जवाब इस पर, इस टॉपिक पर ज़रूर देना चाहूँगा, एक अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा, ताकि हो सकता है आप लोगों की मदद हो जाए और हो सकता है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोगों में हो जाए, है ना। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या उर्दू आना ज़रूरी है बॉलीवुड सॉन्ग्स को गाने के लिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। से नैन मिला कर देखो, उनसे नैन मिला कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, उनसे मुनीर नियाजी साहब की यह गज़ल है जो कि ग़ुलाम अली खान साहब ने गाई हुई है। तो खैर, आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, चर्चा का जो विषय है, वो ये है कि क्या बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने के लिए उर्दू आना ज़रूरी है। तो ये मैंने कई बार कहा है कि प्रोनंसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। शब्द, अल्फाज, लफ्ज़, ये सिंगिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं, ख़ास करके क्योंकि इन्हीं से मीनिंग निकलता है, इन्हीं से भाव आते हैं, इन्हीं में वो रस है, इन्हीं में वो मर्म है, गीत का, गज़ल का, भजन का, ठुमरी का, कुछ भी आप उसे कह लो, वो जो पोएट्री है उसका मर्म उस पोएट्री में ही है। अगर उस पोएट्री को आप गाते हो तो उसका मीनिंग अगर निकलना है, उसमें अगर फीलिंग अगर देनी है, वो जो एक्सप्रेशंस जो हैं वो उस शब्द में छिपे हैं, और अगर शब्द में छिपे हैं तो शब्दों की जानकारी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, अगर शब्दों के मीनिंग ही नहीं पता है तो वो भाव आप कहाँ से दोगे। अगर मैं किसी अंग्रेज़ को कह दूँ या किसी भी ऐसे इंसान को जो हिंदी भाषा नहीं जानता है, उसको अगर मैं कहूँ कि हंसी शब्द बोलो, तो वो हंसी बोल तो देगा लेकिन उस हंसी के पीछे का जो भाव है वो नहीं दे पाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि उस हंसी में आपको इमोशन देना है तो वो नहीं दे पाएगा, है ना। जैसे कि ये कभी एक गज़ल मैंने बनाई थी काबिल अजमेरी साहब की, उसमें ये वर्ड आता है कि हंसना, तो उसमें जो भाव देने की कोशिश की गई है तो वो कैसे आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ। अब यहाँ रोने का भाव है, हल्का सा उदासी का भाव है, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो। हंसने का भाव अलग है, रोने का अलग है, एक ही लाइन है पर उसमें दो अलग अलग भाव के कंपोजिशंस हैं। तो अगर ये हंसने का भाव आपको मालूम ही नहीं है कि वहाँ हंसी जो है उसको कैसे लाया जाता है, तो गायकी में वो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, है ना। तो ये कब आएगा, जब शब्दों के मानी मालूम होंगे, मीनिंग मालूम होंगे, अर्थ मालूम होंगे, तभी तो भाव दे पाओगे। अब यही एग्जांपल अगर मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स की लेता हूँ, पहले जो हमारे बॉलीवुड में गीत बना करते थे उसमें हिंदी भी हुआ करती थी, और प्रॉपर शुद्ध हिंदी भी हुआ करती थी, और वहीं उर्दू भी हुआ करती थी। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हमारी ज़बान पे बहुत रेगुलर चढ़ी हुई है, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा उसको कहते हैं जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों का मिश्रण है, दोनों के शब्द मिले हुए हैं। आज जो हमारी भाषा है वो बहुत ही विचित्र सी है, बड़ी ही मिक्स्ड भाषा है, क्योंकि हमारी, है ना, इसमें न तो प्रॉपर हिंदी है, न वो प्रॉपर उर्दू है, न वो प्रॉपर इंग्लिश है, है ना। आप एक सेंटेंस, आप 5 मिनट तक एक किसी भाषा में मुझे बात करके बताएं तो
तो देखें कि क्या होता है। इंग्लिश हम फिर भी बोल लेंगे प्रॉपर, है ना, प्रॉपर, क्योंकि हमको हर उसके वर्ड्स कहीं ना कहीं मालूम है, क्योंकि इतनी रच बस गई है, क्योंकि हम अगर पढ़ लिख रहे हैं इंग्लिश में। लेकिन यही मैं आपको अगर कहता हूं कि हिंदी प्रॉपर बोलिए तो नहीं होगा, उर्दू प्रॉपर बोलिए तो नहीं होगा। और अगर मैं सच बात बोलूं तो प्रॉपर कोई लैंग्वेज है ही नहीं, क्योंकि सारी भाषाएं वैसे भी मिक्स्ड ही हैं, है ना। हिंदी में हमारे काफ़ी शब्द हैं जो संस्कृत के लिए गए हैं, है ना, उर्दू में हमारे काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो फारसी के हैं और हिंदी के भी हैं, है ना, अरबी के भी हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी लैटिन के कई हैं और फ्रेंच के कई हैं, है ना, तो वो तो वैसे भी मिक्स्ड ही है। लेकिन तब भी जो प्रॉपर आज चल रही है वो वर्ड्स भी हम नहीं बोल पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर उर्दू अगर आप जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, कुछ वर्ड्स को जान लेते हैं, तो पहला तो आपका प्रोनंसिएशन सुधरेगा, जो कि फिल्मी गानों में होता है, और उनके मीनिंग क्लियर होंगे। अब मैं बहुत ही सिंपल सा एक वो बॉलीवुड गाना है कि सोज वाला इश्क वाला लव, है ना, ये अब इसमें मिक्स्ड है ना, लव जो है इंग्लिश का वर्ड है और इश्क जो है उर्दू का वर्ड है, तो अफसोस का क्या मतलब होता है हमें मालूम ही नहीं है, है ना। सोज का मतलब गर्मी होता है, वॉर्म्थ होता है, तो वो जो रिगर है, जो वो वॉर्म्थ है ना, वो इश्क में होनी चाहिए। तो ये उसकी मीनिंग है कहीं ना कहीं, है ना। अब ये हमको अगर मालूम ही नहीं है तो हम कैसे उसको गा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी बहुत उर्दू, ऐसा नहीं कि डिटेल एकदम अरबी आप सीख लें, पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जैसे खुरबत है उसका यूज़ होता है, इंतहा का, इब्तिदा का, वो एक गाना है कि इब्तिदा तुम ही हो इंतहा तुम ही हो, है ना, किस्मत कनेक्शन मूवी का गाना है वो शायद। तो अब इंतहा का मतलब ही नहीं मालूम लोगों को, इब्तिदा का मतलब ही नहीं मालूम, तो गाओगे कैसे, है ना। गा तो फिर भी लोगे, बट वही होगा, वो रटा हुआ होगा। जैसे तोता बोलता है राम राम, लेकिन उसको मतलब नहीं मालूम है कि राम क्या होता है ना, राम का मतलब क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं राम, है ना, राम बोलने से होगा क्या, है ना। तो वो चीज़ है, थोड़े शब्दों के मानी अगर आप जान ले तो उर्दू जानना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, है ना। बहुत मिनिमल बहुत वर्ड्स यूज होते हैं जो गानों में यूज़ होते हैं, जैसे खुरबत एक वर्ड होता है वो यूज़ होता है, खुरबत यानी वैसे करीबी को कहते हैं, यानी नियरनेस, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अल्फाज भी यूज़ होते हैं, लफ्ज़ भी यूज़ होता है जिसका मतलब वर्ड्स होता है, है ना। और ऐसे कई सारे वर्ड्स, मैं कितने एग्जांपल दूंगा आपको, मिल जाएंगे, जहां ख का, क का, घ का, ज का और फ या फ का, इनका यूज़ हो रहा है। तो ये उर्दू के लफ्ज़ हैं। फ साउंड जो है वो हिंदी में नहीं होता, अगर वो कहीं आ रहा है तो वो उर्दू का वर्ड है, है ना। ख का साउंड है, जैसे ख़राब है, खुशबू है, है ना, खलवत है, और यू नो खम है, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो उर्दू के हैं, जो यूज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं उर्दू थोड़ी बहुत आनी चाहिए, है ना, जिसको आप पढ़ें अच्छे से। कई सोर्सेज हैं, रेख्ता एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आप पढ़ सकते हैं, जहां के मीनिंग पता कर सकते हैं। तो थोड़ी रिसर्च कीजिए, गज़लों को पढ़ें, है ना, सुनना तो अच्छी बात है, पढ़ें, उनकी मीनिंग जानें, एक वोकैब अपनी डेवलप करें, तो अपने आप देखिए उर्दू में कैसे आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी और गाने में भी। प्रोनंसिएशन साफ ना हो तो फिर आपको कोई प्रोफेशनली काम भी नहीं देगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ काबू, है ना, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल करना, ये हम बहुत अक्सर बोलते हैं वर्ड काबू करना, लेकिन उसमें नुक्ता लगता है जो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि वो उर्दू नहीं आती है, है ना। अगर हम कहें बाकी, कि तुझ में ये मुझ में बाकी है, बाकी उसमें भी नुक्ता लग रहा है ना, वहाँ भी क आ रहा है ना कि क आ रहा है, बाकी बोलते हैं हम जबकि बाकी होता है। तो ये कुछ है, इसीलिए उर्दू आना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स गानों में यूज़ होंगे और आपको वो गाने तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको सीखिए उर्दू, और फिर बॉलीवुड क्या किसी भी प्रकार का गाना गाइए, ठीक है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही देखते रहें हमारे वीडियोज़, कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, है ना। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।